दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको जो कथा सुनाने वाला हूँ मित्रों, वो कथा है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़। ये रणछोड़ उनका नाम किस प्रकार से पड़ा था मित्रों? एक जरासंध नाम का राजा था, जरासंध, और एक राजा था कालयवन। कालयवन को ये वर प्राप्त था कि उसको दुनिया का कोई अस्त्र, कोई शस्त्र इस संसार में उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। अब कालयवन और जरासंध, ये दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे। इन्होंने एक बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने तुरंत जब ये संदेश सुना तो अपने दूत को भेजकर कहा, सिर्फ मैं और जरासंध या मैं और कालयवन ही युद्ध कर लेते हैं। यही हुआ, कालयवन ने उनका प्रस्ताव मान लिया। और जब युद्ध का अवसर आया तो दोस्तों मेरे कन्हैया रणछोड़ कर भाग गए। वो रणछोड़ के भाग गए, लेकिन अभी तो इसकी एक अलग कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कालयवन कौन था। मित्रों, कालयवन शेषी रायण ऋषि थे। उनको पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा कालयवन। कालयवन बहुत पराक्रमी था और बहुत ही बलवान, बहुत साहसी व्यक्ति था। कालयवन बहुत शक्तिशाली था। इधर जरासंध दूत भगवान कृष्ण के वो भी दुश्मन था। जब उसने हमला करा, कालयवन के साथ मिलकर जरासंध ने भगवान के ऊपर हमला करा, भगवान की मथुरा नगरी पर हमला करा, तो भगवान ने युद्ध के लिए कालयवन को बुलाया। कालयवन भगवान आमने सामने खड़े थे। भगवान ने उसी वक्त एक कदम बढ़ाया पीछे की तरफ और वो भागने लगे। और भगवान भी ऐसे भाग रहे थे कि अब पकड़ा, अब पकड़ा। भगवान ने भागते भागते एक गुफा थी, उसमें प्रवेश कर लिया। और गुफा में, उस गुफा में भगवान जानते थे, भगवान ने देखा कि एक राजा लेटे हुए थे, सो रहे थे। वो राजा थे मुचकुंद। उनको इंद्र का ये वरदान था कि जिसने तुम्हें निद्रा से जगाया और जिस पर तुम्हारी पहली दृष्टि पड़ी, वो तुम्हारी दृष्टि पाप से ही भस्म हो जाए। भगवान ने कि अपना पीतांबर जो वो उड़े हुए थे वो उनके ऊपर डाल दिया और उनका मुंह भी ढक दिया और पीछे चट्टान के पीछे जाकर खड़े हो गए। कालयवन इतनी देर में पीछे से आया, उसने देखा, अरे ये तो कृष्ण सो रहा है। उसने राजा मुचकुंद के एक नाक लगाई, राजा मुचकुंद की निद्रा खुल गई, निद्रा भंग हो गई। और उन्होंने उठकर जैसे ही देखा तो सामने कालयवन था और कालयवन उनकी नेत्रों से निकली अग्नि से जलकर भस्म हो गया, जिसका अंत किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं कर सकते थे। उसके लिए भगवान रणछोड़ बने, रणछोड़ बने, और रणछोड़ बनकर मुचकुंद की नेत्र की ज्वाला से उसको भस्म कराया। मैं अब ये सभा समाप्त करता हूँ। आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और अगले सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए